तो गाइस कल था वैलेंटाइन डे पर लड़की नहीं थी, तो क्या हुआ गाइस? गांधी जयंती में कौन से गांधी जी रहते हैं? सो मीट माय फ्रेंड प्रिया। तो आज ही स्कूल छोड़ के जा रही है, हम निकाल रहे इसको, बहुत ही इज्जत से निकाले हम। पार्टी बहुत अच्छा, तुम लोग बहन बोल सकते हो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन न्यू अनदर वीडियो। सॉरी गाइस लेट आ रहे हैं वीडियो, क्योंकि गाइस मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मतलब आजकल का दिन ना एग्जाम की मतलब एग्जाम से चल रहा है अपना, हर दिन अपना एग्जाम जा रहा है। और कल सैटरडे एंड परसों संडे तो छुट्टी है, एंड बाकी उसकी तो प्रिपरेशन हमने कर ली है और बहुत ही तगड़े जोरों से मतलब अपना एग्जाम चल रहा है, तो उसी के चक्कर में मैं अपना व्लॉग नहीं बना पा रहा हूँ। सो कोई बात ना, अगर एग्जाम जैसे ही खत्म होते हैं अपन बहुत सारे व्लॉग बनाएंगे, बहुत ही ज़्यादा। एंड मैं रात का सीन बता दूं, कल था प्रिंस का बर्थडे एंड हमने एंजॉय किया बहुत ही ज़्यादा, और एक सिंपल सा एक केक काट के ना उसके बर्थडे सेलिब्रेट किए। तो मैं उसका क्लिप कुछ दिखाता हूँ आपको, तो ये देखो। Happy birthday dear Prince, आप देख रहे हो आप लोग। Happy birthday to you, may the good prince bless you, may the good god bless you। तो गाइस कैसा लगा आपको? बहुत ही ज्यादा मस्ती की है, और ना मतलब जो उसको बंदे को ना अपन लेटा के अपन पीटते ना, पता नहीं है ये सब बंदों का ना रूल क्यों बना है कि जिसका बर्थडे आता है उसको पीटना ही है करके। तो उसका मतलब एक क्या बोलते हैं उसको, मस्त सा गिफ्ट बन जा रहा है उसका एक। तो चलो ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू और आज देखते हैं क्या क्या होता है। और वैसे ये बंदा आज हाय नहीं बोला, हाय बोल करुण, हाय बोल। हेलो गाइस। अबे साले तभी। तो तेरा एग्जाम कैसा जा रहा है भाई? ठीक जा रहा है गाइस, क्या ही बताया। गाइस अपन दोनों ना एक ही क्लास में, एंड फर्स्ट एग्जाम में तो ना अपन ने दाड़ के जो एग्जाम दिया ना, कैसा मजा आ गया था भाई, क्योंकि अपन दोनों साथ ही बैठे थे एंड बहुत छापा है हमने एक दूसरे का। तो और जो आज का एग्जाम था, आज का भी मतलब मस्त अच्छा सा गया, एक नंबर से। और बाकी अभी पढ़ना है और दो दिन छुट्टी है, तो उसका प्रिपरेशन हमने थोड़ा पहले से ही कर लिया है, तो उसका उतना चिंता नहीं है। इसलिए मैं ना व्लॉग कर रहा, क्योंकि दोस्त लोग बोले जब तक तो मतलब एग्जाम चल रहा है तब तक व्लॉग मत बनाना, क्योंकि डिस्टर्बेंस आएगा करे। तो फिर भी मन ना मानता नहीं है कि व्लॉग नहीं बनाऊं करके, लेकिन मैं जल्दी से एग्जाम खत्म हो जाए मैं तुरंत अपना व्लॉग डेली डालना स्टार्ट करूं। आई होप गाइस आप वीडियो इंजॉय कर रहे हो, अगर वीडियो इंजॉय कर रहे हो तो फॉर्मेलिटीज निभा दीजिएगा, मजा आएगा फिर तो आपको। आपको मजा आएगा। एंड गाइस हम ना वेट कर रहे हैं इसका, जल्दी से ये बढ़ जाए, जो नीचे अपना भुट्टा का खेत है ना, ये जल्दी से ना बढ़ जाए, क्योंकि अरे क्या दिखा दिया गाइस ये बंदे लोग का सब। जैसे ही ये बढ़ता है ना तुरंत अपन का घर जाने का टाइम आ जाएगा, क्योंकि जैसे ही ये बढ़ जाएगा अपन का एग्जाम खत्म, सब कुछ खत्म। वैसे मेरा एग्जाम खत्म हो रहा है 27 तारीख को, और बस उसी का वेट कर रहा हूँ मैं कब खत्म होगा। एंड पिछले 4 दिनों से मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, आज थोड़ा बेटर फील कर रहा हूँ। एंड जब एग्ज़ाम हॉल में था मैं बैठ नहीं पा रहा था, जैसे तैसे मेरा एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो मैं परमिशन ले रहा हूँ कि मेरे को रूम जाना है, मेरे को रेस्ट करना है, पढ़ना टाइम जब तक ख़त्म नहीं होता तब तक जाने नहीं देंगे, ऐसा करके मैम बोली। तो उसी वजह से ना मेरे को वहाँ वेट करना पड़ा। फिर उसके बाद देखा नीचे हवन चल रहा था, फिर ना उधर जाके ना उधर मेंटेन करना पड़ा। फिर जो मैम है अपने वो बोले कि तुमको बैठना पड़ेगा पूजा में, तो फिर पूजा में बैठे। मैं किसी को बताया नहीं कि मेरा तबीयत ख़राब है, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट में ना मेरे को और ज़्यादा मेरा मतलब वीकनेस आने लगा बॉडी पे, तब मेरा कंट्रोल नहीं हुआ, तब मैंने परमिशन तो मंगा, फिर मैम ने भी बोल दिया कि तू जा सकता है। उसके बाद मैं फिर आ गया, एंड जैसे ही आया फिर देख रहा हूँ मेरा वीकनेस ही गायब हो गया, कमाल है। तो देखते हैं आज क्या क्या होता है व्लॉग में, एंड मज़ा तो आएगा ही आएगा। और जल्दी से भाई अपना वो ख़त्म हो जाएगा, जल्दी से एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए, एंड दुआ करो कि अपना मैं थोड़ा पास वास हो जाए, थोड़ा अच्छे से टॉपर वॉपर नहीं है कहीं, बैक बेंचर है अपन। अगर पास वास हो जाए ये तो ठीक रहेगा भाई।
फिर वरना फिर बोलेंगे घर में भी ब्लॉग 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 बनाते रहता है, पढ़ता उड़ता नहीं है ऐसा वैसा करके। लेकिन ऐसा बात नहीं है, मैं पूरे मन से अपना पढ़ाई पे ध्यान दे रहा हूँ। अगर मैं पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता तो रात रात तक जगता नहीं, एंड रात रात तक मैं ऑनलाइन रहता हूँ ना, तो शायद तक कोई कोई सोचते होंगे कि ये मतलब इंजॉय कर रहा है ये सब, ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं अपना क्लासेस लेते रहता हूँ तो उसी चक्कर में मैं रात को ऑनलाइन रहता हूँ, क्योंकि मेरे को एक कमेंट आया था कुछ, मैं उसका नाम नहीं बोलूँगा, कमेंट आया था बस कि पढ़ता वढ़ता कुछ नहीं है करके। अभी मतलब स्टार्टिंग है ना गाइस, जानते हो मतलब ब्लॉग व्लॉग कर रहे हैं इधर, काफ़ी सारे लोगों को मतलब वो रखता है, फालतू लगता है, लेकिन जिसमें इंटरेस्ट है भाई वही तो करेंगे ना, उसी में तो दिल लगेगा। सॉरी गाइस, तो देखते हैं अभी, एंड जैसे मतलब एग्ज़ाम ख़त्म होता है तो एक इंटरेस्टिंग सा वीडियो लाने का कोशिश करता हूँ मैं फिर से, एक नया कॉम्पिटिशन वाला। अगर इससे पहले वाला वीडियो अगर नहीं देखा तो जाओ, बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को, क्योंकि अपन उसमें स्पैड कंपटीशन किए थे, एंड जो मनीष का रिएक्शन था ना मतलब कमाल का था, क्योंकि पनिशमेंट भी तगड़ा था एक नंबर का, तो वो भी देखना। गैस मैं थोड़ा रेस्ट करता हूँ, एंड क्योंकि अभी देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा धूप है बाहर, तो जैसी धूप थोड़ा गायब होता है अपन चलते थोड़ा नीचे, क्योंकि मैं बहुत दिन से मैं भी नीचे जाके मतलब खेला ही नहीं हूँ, तीन चार दिन हो गया गैस मेरे को, मतलब हो ही नहीं रहा है ब्रो, मतलब बहुत ही कमजोरी सा आ गया बॉडी में, एंड घर में भी मैं इन्फॉर्म नहीं किया था, पता नहीं कौन कर दिया घर में, बता दिया कि तबीयत ख़राब है करके, क्योंकि मैं सोचा था कि जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होगा एक आध दिन के लिए मैं घर चले जाऊँगा थोड़ा, क्योंकि फिर से नया क्लासेस स्टार्ट होने वाले हैं ना, उसी लिए। तो अभी थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और उसके बाद चल जाएंगे अपन नीचे। A few moments later. तो गाइस अभी चलते हैं नीचे, क्योंकि धूप जा चुका है और थोड़ा अपना जाके टहल जाते हैं थोड़ा। एंड गाइस जब भी मतलब हवा नहीं ही पड़ हुआ था, एंड पूरा सामान तो अभी हटा चुके हैं गाइस, पूरा सुनसान लग रहा है, मतलब खाली खाली लग रहा है, क्योंकि अपनी फरारी भी जा चुकी है, जो अपने का मतलब बस थे ना जहाँ पर अपन एक बार बैठे थे, हाँ जहाँ आपको मैं दिखा चुका था, हाँ मतलब वो अभी जा चुका है, मतलब पूरा ग्राउंड यार आज खाली खाली लग रहा है, मैं सोचा कुछ मतलब अच्छा होगा आज, वो सब उधर बैठे हैं, उधर चलता हूँ। तो गाइस बहुत दिन के बाद मैं ब्लॉग स्टार्ट किया हूँ, तो मैं कंटेंट ढूंढ रहा था, तो कंटेंट इधर है, मैं ग्राउंड खाली कैसे बोल रहा हूँ क्योंकि इन लोग इधर बैठे हैं गाइस, देखो। हे गाइस, तो गाइस इधर पता नहीं ये दोनों क्या कर रहे हैं, ये दोनों अकेले मिल रहे हैं यहाँ पर, ये अपना हिमांशी और ये अपने स्कूल का बंदा है, हाय बोल। हाय। काफी गोलू मोलू है गाइस। हाय बोल। हाय। हाय। गाइस यही वो जगह थी जहाँ इन लोग नाचे थे कपड़ा उपड़ा उतार के। मतलब हॉस्टल सुनसान नहीं लग रहा, मतलब खाली 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 लग रहा है गाइस। कौन गया? चोमू। चोमू कहाँ गया? चोमू गया घर, तोता गया। ये हॉस्टल नहीं चिड़ियाघर है। तोता है, चोमू है, सब है। गाइस सन देखो क्या दिख रहा है, मस्त सा। आज थंबनेल गाइस हिमांश के साथ डालेंगे, चला जा थंबनेल। हाँ तो बस बस ऐसा थंबनेल नहीं डालेंगे क्या? आज का कंटेंट क्या है भाई? व्लॉग व्लॉग में कौन कंटेंट डालता है फिर भी क्या करना चाहते हो आज? मैं कुछ नहीं करना चाहता हूँ, नॉर्मल व्लॉग, नॉर्मली एग्जाम चल रहा है ना, देख रहा है। अरे गाइस आप में से कितने लोग का एग्जाम चल रहा है और एग्जाम चलते हुए मेरा ब्लॉग देख रहे हो, कमेंट करो। तो गाइस नीचे लग रहा है बोर और मैं जाता हूँ अभी अपने रूम में, क्योंकि मैंने कुछ ऑर्डर किया है तो मेरे को पैसा लेने जाना पड़ेगा, अभी पैसा लेके आता हूँ मैं गाइस। तो गाइस मैंने कुछ ऑर्डर किया था वो पहुँच चुका है, जैसे कि यहाँ देख लो दिख भी नहीं रहा है, हाँ तो पहुँच चुका है, अभी उसका कॉल आने ही वाला है शायद तक, जल्दी से वो आ जाए तो जल्दी से मैं भी चले जाऊँगा। चलो मेन गेट में चलते हैं, वहाँ वेट कर रहा हूँ, अभी वो अंदर घुस रहा है, आ जा वसंत। एंड गाइस देखते देखते शाम हो गया पूरा, देखो पीछे आ गया कॉलेज। हेलो
आ जाओ गेट में, आ जाओ अंदर आ जाओ। हाँ पहुंच गए भैया, ऑर्डर वाले भैया, तो जल्दी से लेते। तो गाइस आ चुका है अपना ऑर्डर, और अभी इसको जल्दी से ख़त्म करते हैं, और मैं आपको चलता हूँ अपने रूम में, मिलता हूँ सीधा डायरेक्ट ख़त्म खत्म होने के बाद। तो चलो गाइस, हमने खावा के रेडी मतलब खावा के ख़त्म कर लिया, लेकिन अपने लिए सफिशिएंट नहीं हुआ वो, है ना वसंत? अपने लिए सफिशिएंट नहीं हुआ गाइस, तो अपन फिर से कुछ और मंगा रहे हैं। मतलब प्राइस ही प्राइस ना बहुत ज़्यादा था अमाउंट उसका, एंड क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा कम था, तो वैसे टेस्टी था बहुत ही ज़्यादा। तो अभी अपन फिर से ऑर्डर कर रहे हैं कुछ, क्या ऑर्डर करें? अंडा बिरयानी। अच्छा अब मतलब अंडा बिरयानी ऑर्डर की, इससे पहले ना अपन चिकन तंदूरी ऑर्डर किए थे तो अपन ने निपटा दिए, अब अंडा बिरयानी ऑर्डर करते हैं, फिर उसके लिए वेट करना पड़ेगा, थोड़ा जल्दी करते हैं क्योंकि अभी ट्यूशन का भी टाइम हो रहा है, फिर सर आ जाएंगे। A few moments later. अपना सेकंड ऑर्डर आ चुका है, और अपन अभी एक क्लास में आके बैठे, जहाँ पर अपना एग्जाम होता है वहीं पर आके बैठे, एंड ये अभी खुल रहा है इसको, एंड इसको जल्दी से फटाफट ख़त्म करते हैं और चलते हैं रूम में, क्योंकि ट्यूशन का टाइम हो गया और अभी जल्दी से जल्द जाना पड़ेगा ट्यूशन के लिए, क्योंकि सर पहुँचने ही वाले 10 मिनट में। तो वैसे टाइम, हाँ टाइम तो हो ही गया, बस 10 मिनट बचे, तो जल्दी से जाते हैं गाइस। चले चले चलते, तो चलो फाइनली ख़त्म हो गया सब कुछ, फाइनली दोनों ऑर्डर को अपन रिसीव कर चुके हैं, एंड काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था, लेकिन जो फर्स्ट वाला ऑर्डर था ना वो क्या ही मस्त लगा था भाई, तेरे को अच्छा लगा कि नहीं वो फर्स्ट? लेकिन जो सेकंड में था, अपन ने फर्स्ट में ना चिकन तंदूरी ऑर्डर किया था, एंड सेकंड में ना अपन अंडा बिरयानी, तो ना अंडा बिरयानी तो काफ़ी ज़्यादा तीखा था, जिसके चक्कर में मैं बहुत ही ज़्यादा पानी पी ले, एंड अभी हॉस्टल का भी खाना खाना है, तो मेरे को नहीं लगता है कि मैं खाना खा पाऊंगा, क्योंकि मेरा पेट मतलब एकदम फुल हो चुका है, और अपन ने जब खा रहे थे ना तो टाइम लैप्स किया था, ये देख सकते हो यहाँ पर एक क्लिप जुड़ जाएगी, आप देख लेना बीच में। सो अभी चलते हैं अभी ट्यूशन के लिए, फिर मैं आपको आके मिलता हूँ। A few moments later. So finally guys, मैं आ चुका हूँ ट्यूशन से, एंड आई होप कि आज की व्लॉग आपको पसंद आई होगी, एंड पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं एक नए मजेदार सी वीडियो में, तब तक के लिए बने रहें, टेक केयर, अपना ध्यान रखें, तब तक के लिए बाय बाय।